उसने भी देखा मतलब तो एक लो जब मैंने दुबई छोड़ना था मेरे उस घर से रोने की आवाज़ें आती थी अच्छा शादी एक बड़ी नॉर्मल बात है कि जब भी किसी के पास इतनी स्पिरिचुअलिटी होती है तो सबसे पहले उनका नाम बीबी -बी और इस तरह करके फेमस हो जाता है मैं तो बस जो अल्लाह ने कोई फैज दिया है और उससे मैं दूसरों को फैज दे सकती हूँ वो कोशिश करती हूँ आई नोट डेट स्परिचुअल मैं इस सुमरे में कहती हूँ किसी गैर के सामने बरना होके वो तालाबों में डुबकियां दलवाना जिस किस्म के गंदे अमल कराना नापाक चीजों को इस्तेमाल में लाना क्या क्या कुछ नहीं होता चैन, मुझे कहाँ बुला रहे हैं कहाँ बुला रहे हैं और ना वो पैगाम की शिद्दत बढ़ती जाए बढ़ती जाए अब इतनी मैं कहूँ अब मैंने कहा क्या किस तरह करूँ क्या करूँ बेबी मुझे कहाँ बुला रहे हैं इतना है मैं कहा चलो अबू की तबीयत तो उस दिन इतनी ठीक नहीं थी मेरी साथ बहन है नाइला वो और मैं दोनों चले गए अब हम दोनों कब्रस्तान पहुँचे क्योंकि वो पुराना हमारा वहाँ का है जो कब्रों को देखभाल करता है उसको साथ लिया मैंने कहा लास्ट टाइम बेबे जी की कब्र पे कब गए थे कितने छः दिन हो गए और मुझे भी कुछ पाँच दिन हुए थे ये हो रहा था अच्छा जैसे ही मैं कब्र पे पहुँची ना मुझे सारी हकीकत समझ आ गई किसी ने ना कबर के ऊपर सीरी रखी हुई और उसमें नींबू और हरी मिर्चों का वो हार बना के जादू करके टूना करके रखा हुआ ये होता है जादू जो कबरों पर रख कर मुर्दों पर सख्ती आती है और किसी का और का बेड़ा का रख करना होता है तो ओफ मैंने जब वो देखा और उसमें बदबू आ चुकी थी और मेरी दादी क्योंकि बहुत ही इबादत गुजार और नेक ख़ातून थी मैंने फटाफट उसे इस पे मैंने को शॉपर लाओ उसने उस पर ले बेटा मैंने कब्र को गुसल दिया फातिया पड़ी हरा पौधा लगाए फिर मैं ना पूरी कब्र के टूर पे कब्रिस्तान के टूर पे निकल पड़ी रात मैं कुछ तीन बजे की गई हुई रात साढ़े ग्यारह बारह बजे वापस आई इतनी थी मैं कीचड़ में थी कि कुछ पैंतीस कब्रों से मैंने टोट उठाए जादू टोने जो किए हुए थे और उनको गुसल देती थी उठाती थी गुसल देती थी फातह पढ़ती थी हरा पौधा लगाती थी फिर आगे निकल पड़ती थी तो रात साढ़े ग्यारह बारह बजे मैं कब्रस्तान से फारग हुई मतलब तो वो वसीला बना कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया उनके वसीले से जो बाकी पैंतीस कबरें थीं उन पे से भी उठाए गए तो लोग हमारे अखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि वो अपने जाती मुफाद की खातर तो मर्दों को भी नहीं बख्शते अच्छा साधिये एक और एक लास्ट क्वेश्चन इमाम महदी के ूर के बारे में आपका क्या सोचना है देखिए बिल्कुल बरहक है ये रसूल करीम सलम के ये ना सिर्फ़ अहदीस से कुरान पाक में वाजह तौर पर इसमें है और इसमें मैं डॉक्टर इसरार अहमद की जो तहकीक है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ और आप अगर देख लें तो उसका हूर बहुत नज़दीक है उनके हिसाब से तमाम और तमाम हालात और मामल भी बन रहे हैं उस तरीके से ये होना है ये बरहक है इस पर मुझे बिल्कुल यकीन है और ये जो दौर है ना ये दजाल के फितने का दौर है मैं कहीं अपनी जगहों में तकारीर में भी बल्कि कहती हूँ कि ये नहीं कि मेरी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है लेकिन मैंने 18-19 साल इमरान खान के साथ काम किया है तो इमरान खान की अंदर जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा चीज़ वो है सच्चाई इस मुल्क से मोहब्बत और अब उनमें जो एक रूहानी तब्दीली आ चुकी है ना अब आप ये कहेंगी कहना तो नहीं चाहिए मुझे किसी प्रोग्राम में आई डोंट नो कि कोई कंट्रोवर्सी ना इस पर हो लेकिन मैंने इमरान ख़ान का रूहानी रूप भी देखा अगर एक मेरी विजन वो जो मखलूक दिखा सकती है जो नज़र नहीं आती तो वो मखलूक जो मेरे सामने इंसान की सूरत में खड़ी है मुझे उसकी भी चीज़ें अंदाज़ा हो जाता है खान साहब को मैंने जो रूहानी उनका देखा है ना वो मुझे अंदाजा था कि ये शख्स सब किसी और रास्ते पे है या अल्लाह के रास्ते पे ये इंसानियत के लिए काम कर रहा है तो मैं अब जितने लोग अब यकीन माने जिस दिन सी इलेक्शन था उस दिन आखिरी दिन एम पी एस का इन्होंने एक अरब पच्चीस करोड़ भी बोल लगाया और मुझे ये याद आ रहा था इस डॉक्टर इसरार अहमद उन्होंने कहा था कि दजाल के फितने का टाइम होगा लोग बोरियां खोल देंगे पैसों की और पर उस वक़्त जो लोग इस तकामत में खड़े रहेंगे वो ही फ़तः याब हैं तो मतलब ये अल्लाह ताला की और मैं खुश नसीब समझती हूँ खुद को जब मैं जलसों में या इसमें तो भी जाती हूँ जो लोग खड़े हैं इस तकामत में सच के साथ इस टाइम तो झूठ और सच की बात हो रही है ग़ुलामी की और देखें नोटों की बोरियाँ खुली हुई हैं तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ठीक है मैं बहुत अमीर नहीं हूँ मतवस् तबके से डॉकर कहा जा सकता है महदूद वसाइल हैं लेकिन कितना भी बड़ा अमाउंट हो एक ज़रा बराबर भी हम में से किसी के दिल में एक ज़रा बराबर भी ख्याल भी नहीं आया मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है न उसने हमें ये इस्तकामत दी उसने हमें ये सबर दिया उसने हमें द जाल के फितने की तरफ नहीं धकेला हक़ और सच के साथ खड़ा होने की तोफीक दी और मैं इस चीज़ पे अल्लाह से इतना राज़ी हूँ कि अल्लाह हम कम से कम ये कहने जोगे तो होंगे ना कि हम सच और हक़ की जंग में खड़े थे साथ और हमने जाती मफादात और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं रखा ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तर है इसमें जितना हो सके इंसानियत के लिए इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे पसंदीदा नमाज़ आप पे फ़र्ज़ है उसमें कोई छूट नहीं रोज़े ज़क़़़़़त हज जो मर्ज़ी करें वह आपकी साथ तक है लेकिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वह है आपका अच्छा अखलाक और दूसरा उसकी मखलूक से प्यार करना अब मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है अभी वो एक चिपली को छोड़कर बाकी मुझे सारे जानवर से भी बेताब प्यार है सब एक चिप्पली से मैं घबराती हूँ शेर पकड़ लेती हूँ सांप पकड़ लेती हूँ जिन देख लेती हूँ <laughs> लेकिन मैं आपने आपको रोक नहीं सकी मुझे दूर से झलक नजर आए तो बहरहाल वो जो है क्या कहते सब मुझे कहते हैं आप शेर को आपने पकड़ा हुआ अजदहा दुनिया के सबसे बड़े अनाकाउंडा को मैंने यहाँ प्यार किया हुआ और एक आप चिपपली से घबरा जाती है मैं के बस एक ही चीज़ है जिससे मैं घबराती हूँ बहरहाल ये है कि इंसानों से मोहब्बत करें उसकी मखलूक से मोहब्बत करें पौधों से मोहब्बत करें और बहुत बड़ा नहीं छोटे छोटे भी कॉन्ट्रीब्यूट हम कर दें पानी एक नत है इन्वामेंट का ख्याल रखें कचरा किसी के घर में ना रखें आपके जो घर में मुलाजिम होते हैं ज़्यादा हेल्प हेल्पर होते हैं उन्हें रोटियाँ गिन के ना दें पेट भर खाना दें उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझें तो मेरे ख़्याल में इस माशरे में भी अमन हो जाएगा प्यार होगा मोहब्बत ही इंसान निकला ही उन से है और उनका मतलब ही प्यार है इंसान जब अपने असल से हट जाता है तो फिर ये शैतानी वसवसों में आ जाता है सादिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कंडीशन में भी हमें इंटरव्यू दिया लेट के बेड पे। हाँ। I'm sorry. <laughs> <laughs> नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी इनफॉर्मल था नासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सादिया के पूरे इंटरव्यू में मुझे लगी कि जिन्नात जो है वो बरहक हैं और ये मखलूक जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया तो बजाय इसके कि इग्नोर किया जाए अगर आपको इस टाइप की कोई चीज़ नज़र आ रही है ताकि कोई कंसिक्वेंसिस ना हो उसको फोकस करें बस अल्लाह ताला के साथ अपने आप को इतना अटैच रखें कि ख़ुदा न खासा आपको इस तरह की चीज़ कोई नुकसान ना पहुँचाए और ये जो हम लोग फ़ौर ही करते हैं ना कि फ़लाँँ बुज़ुर्ग पकड़ लें फला बुज़ुर्ग पकड़ लें ले, बिल्कुल आप जाएँ बुज़ुर्गों के पास उनके पास इल्म है लेकिन जाली पीरों और जाली लोगों के पास जाने के बजाय ख़ुद कोशिश करें कि जो ऑथेंटिक बुज़ुर्ग हैं जिनके पास वाकई में आप उनके पास जाइए इसी नोट के साथ मुझे एतास संधु को इजाजत दीजिएगा अल्लाह